नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर पलटवार। दिग्विजय सिंह को खुद कांग्रेस के लिए बताया दीमक। पार्टी को खत्म कर रहे दिग्विजय सिंह। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। खटीमा में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 30 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। और भोपाल में फ्री फायर गेम बना सुसाइड की वजह। गेम खेलने का आदि था मृतक बच्चा। पंचिंग बैग की रस्सी को फंदा बनाकर मौत को लगाया गले। द वर्ल्ड डायमंड फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रेस क्लब के सहयोग से ठंड के इस मौसम में गरीबों को 50 कंबल वितरित किए गए हैं। इस दौरान प्रेस क्लब राजगढ़ के अध्यक्ष सुनील बाफना ने समारोह को संबोधित किया। वहीं सचिव शैलेंद्र पवार ने ट्रस्ट के इस मानव कार्य को सराहनीय बताया है। इस अवसर पर प्रेस क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। आरएसएस की तुलना दीमक से करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खुद अपनी पार्टी के लिए दीमक बन गए हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है यह सब जानते हैं। यह बात विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय विशेष संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा ने अपने इंदौर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह के एक बयान पर पलटवार करते हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह चंद लोगों का मन बहलाने के लिए इंदौर आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह आरएसएस जैसे संगठन को दीमक कहते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि दीमक वही खुद दिग्विजय सिंह है और खुद ही अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से विवेकानंद जी कहते थे कि विचारों से व्यक्ति के राष्ट्रवाद के बारे में पता लगता है कि वो व्यक्ति कितना राष्ट्रवादी है। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में टिप्पणी की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दीमक की तरह है, पहले दिग्विजय सिंह जी ये पता कर ले कि दीमक वो हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दीमक है। जब से वो कांग्रेस पार्टी को लगे हैं, मुझे लगता है पार्टी पूरी समाप्ति की ओर है। और रही बात विचारों की, तो दिग्विजय सिंह के जो विचार है वो जिन्नावादी विचार हैं, वो स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जिस दल से वो हैं, अभी राष्ट्रवादी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र वहाँ पंजाब में रचा गया, जो पूरे देश ने अभी तो विश्व ने देखा, तो ये उस विचारधारा के लोग हैं। और कुकुरमुत्तों की तरह कभी भी ये आते हैं और जिन्नावादी सोच के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर कुछ भी बातें करते हैं। तलवार तो चला नहीं सकते, कैंची की तरह जवान चलाते हैं और कुछ भी अमर्यादित भाषाओं में टिप्पणी करते हैं जो राष्ट्र विरोधी होती है। बदनावर में पेटलावद रोड पर ग्राम सेमलखेड़ा के पास बुधवार देर शाम तेज रफ्तार आइसर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार का नाम सरदार भील बताया जा रहा है। वह किसी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव आ रहा था, तभी पीछे से मटर की फली भरकर आ रहे आइसर गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे बाइक में आग लग गई। मृतक के पैर बुरी तरह झुलस गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उसे घायल अवस्था में निकाला। सिर और अन्य जगह गंभीर चोट आने से थोड़ी देर में ही युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल लाया गया, जहां गुरुवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। अब इस मामले में बदनावर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्र खटीमा में आज कोरोना बम फूटा है। खटीमा में आज देर शाम को आई कोरोना रिपोर्ट में 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज निकले सभी 30 कोरोना संक्रमितों को उनके घरों पर ही आइसोलेट किया गया है और दवाई का वितरण किया गया है। वहीं खटीमा के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और साथ ही खटीमा भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगा है, जहां विगत पिछले 11 दिनों में
मात्र 36 मामले आए थे, वहीं एक साथ 30 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 10 जनवरी को खटीमा में 257 संदिग्धों की आरटीपीसीआर जांच की गई थी, जिनकी रिपोर्ट आने पर 30 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को घर पर आइसोलेट किया गया है और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। हालांकि सभी कोरोना संक्रमितों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूपी से आ रहे सभी यात्रियों का बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। हमारी तरफ से सभी लोगों को पॉजिटिव है, सभी होम आइसोलेट किया जा चुका है और हम निरंतर उनके स्वास्थ्य की निगरानी में हैं। लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप सार्वजनिक स्थानों से अपनी दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी आपस में जरूर मेंटेन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें और मास्क हमेशा पहन के रखें। जब भी और जैसे ही आप पात्र आपका समय वो आ गया हो तुरंत दोनों डोज बूस्टर मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के 4,037 प्रकरण आए हैं, 783 लोग ठीक भी हुए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस वक्त 17,657 एक्टिव केस हो चुके हैं। गौरतलब है कि पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। अभी तक कुल 227 पुलिस के जवान संक्रमित हुए हैं। कल पिछले 24 घंटे में 80 पुलिस के लोग संक्रमित हुए हैं। अभी तक कुल 227 पुलिस के हमारे जवान संक्रमित हुए हैं। इस दौरान गृह मंत्री मिश्रा ने यह भी बताया कि बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी के कार्यक्रम में पहली से 10वीं तक के छात्रों को प्रतिबंधित किया गया है। सुनिए उनका बयान। वो रोजाना देख रहे बच्चों की संख्या भी ज्यादा है। कल 22 बच्चे आ गए हैं सर एक साथ एक ही शहर में पॉजिटिव। 26 जनवरी के कार्यक्रम जो 1 से 10वीं तक के थे उनको प्रतिबंधित किया है। जहां तक स्कूलों की उपस्थिति का है वो 50% की उपस्थिति में चल रहे हैं। मेरी जानकारी में कुछ स्कूलों का ऐसा भी आया था कि वो संपूर्ण उपस्थिति के साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं इस विषय पर। अगर कोई भी इस तरह की शिकायत या संपूर्ण उपस्थिति के साथ चलाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ मामला है क्या? भोपाल में फ्री फायर गेम की वजह से सुसाइड करने का मामला सामने आया है। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच में गेम के चलते बच्चे ने सुसाइड की है। जांच में सामने आया है कि बच्चा गेम खेलने का आदी था। माता पिता की बिना जानकारी के बच्चे ने गेम में एड ऑन खरीदने के लिए 6,000 रुपए खर्च भी किए थे। हालांकि पेरेंट्स ने कई बार गेम नहीं खेलने को समझाया था और गेम डिलीट भी किया था, लेकिन बावजूद इसके बच्चा नहीं माना और अंत में बच्चे ने पंचिंग बैग की रस्सी को फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल इस मामले में जारी है। हत्या की है बच्चे ने, उसमें पुलिस ने जो प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई होती है वो दर्ज की है और जो प्रारंभिक जानकारी आई है पुलिस के सामने उसमें जो बच्चा है वो एक गेम खेलने का काफ़ी उसको शौक था और काफ़ी समय से वो ये गेम खेल रहा था। इसके संबंध में परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि माता पिता द्वारा कई बार बच्चे को समझाया गया कि ये गेम ना खेला जाए क्योंकि जिस तरह के उसका बिहेवियर था जिसमें पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था और वो गेम को माता पिता ने उसके मोबाइल से डिलीट भी करवाया था। इसके साथ ही जो गेम में जो भी एड ऑन्स खरीदने रहते हैं वाउचर्स लेते हैं उसके भी पेमेंट हिस्ट्री पुलिस को जानकारी में आई है, परिजनों द्वारा जानकारी में लाई गई है। बाद में बच्चे ने जो गेम है वो किसी अन्य मोबाइल पर भी इंस्टॉल किया है जानकारी प्राप्त हुई है। जो बिहेवियर था बच्चे का वो थोड़ा क्यूरियस टाइप का था माता पिता ने बताया है और पढ़ाई में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं था और गेम्स वो लगातार खेलता रहता। इस प्रकार का उसका बिहेवियरल जो जानकारी आई है, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें छत पर
जो पंचिंग बैग होता है उसका जो जिस रस्सी से वो पंचिंग बैग को लगाया जाता है उस पर ही डेड बॉडी पुलिस को मिली है, वहीं पर बच्चे का शव मिला है। और भी पुलिस पूछताछ कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है परिजनों से कि इसका क्या एग्जैक्ट रीजन था, बिहेवियर क्या था बच्चे का, और उसके पश्चात इसमें आगे संवैधानिक कार्रवाई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।